यहाँ का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऊबर चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। कह रहा भैया बहुत कमाई नहीं हो रही भैया, वो रील बनाने में बिजी है, वो आज ही नाटक कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं अगर आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार करते हैं तो इसको लाइक करें, नहीं कहते। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, सोचो भारत की दशा शिक्षा की। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, सब ऑर्डिनरी हैं सब। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जय हिंद फ्रेंड्स। मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसको दिन के अंत में क्या मिलता है, 1000 रुपए। अगर मेहनत से सब कुछ मिले तो ये जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं ये तो राजा हो जाएं। कभी मजदूरों को देखो जिनके घर में डोमेस्टिक नौकर हैं, तुम में से कईयों के घर में होंगे उनको कोई इंसान समझता है? 24 घंटा काम लेते हैं लोग, रात में 2 बजे भी उठा देते हैं। आज भी इंडिया में डोमेस्टिक वर्कर के काम करने का टाइम लिमिट नहीं है, आज भी। देखो कितनी मेहनत कर रहा है, सब ऑर्डिनरी है सब। बड़ा प्यारा वर्ड है ये ऑर्डिनरी, सब है हम सब। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है ना बस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जिसने भी एक्स्ट्रा ऐड किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98% तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा और 12 से 9 से इस आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। और जो आदमी 9 बजे सुबह उठ रहा है उसको 9 से 9 12 घंटा, 12 में से भी 2 घंटा एसेसरीज, 10। और इसका जो पहला स्लॉट है 4 बजे से 10 बजे तक, इसमें कोई डिस्टरबेंस ही नहीं, कोई फोन ही नहीं करेगा, कोई मैसेज ही नहीं करेगा। तो ये जीतेगा कि ये जीतेगा? ये जीतेगा। और 9 से 3 बजे तक सोना, 6 घंटा डीप स्लीप। चलो 4 बजे तक सो लो, 7 घंटा। यही है जीतने वालों का काम। ये जो मैं एनसीईआरटी बैच लेता हूं ये सुबह 5 बजे से लेता हूं, 5 AM। नहीं तो जब मैं बाहर हूं तो शाम को क्लास ले रहा हूं, दिल्ली में हूं तो सुबह 5 बजे, 5 से 7 ये बैच चलता है। तुम योगा करने लगे एक्स्ट्रा हो गया, तुम ध्यान करने लगे एक्स्ट्रा हो गया, तुम फालतू की बात किसी से नहीं करते एक्स्ट्रा हो गया। फालतू मतलब जिन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है।
जिन बातों का कोई बेनिफिट नहीं है। जो लोग फालतू की बात करते हैं ना, उनकी जिंदगी बहुत बुरी होती है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, सोचो भारत की दशा शिक्षा की। लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आ रहा है, सर लैटिट्यूड नहीं पता क्या है, ऐसे रेखा खींचो यहां से लेके अपने पैर तक, फिर ले आओ ऐसे ऐसे खींचते चले आओ, सर यहां से खींचो, यहां से खींचो पूरा, ये क्या है? सर ये लॉन्गिट्यूड है ना, हाँ, फिर एक ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे एक आदमी खड़ा करवा लो, ऐसे गोल गोल खींचो, ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? बीच में है सर, यही पेट है सर। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर वही है ना, हाँ इक्वेटर है सर, ये तुम्हारा इक्वेटर है, यहां गर्मी ज्यादा है, भूख की गर्मी। वर्षों से वन में घूम घूम, वाधा विघ्नों को चूम चूम, रामधारी सिंह दिनकर प्री 1991, पूरी इंडिया लड़ रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उतनी इनकम नहीं, उतना पैसा नहीं, हर आदमी लड़ रहा है। अब उस आदमी को क्या देना है? प्रोत्साहन। भारत बन रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है, भारत का हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्ट्रगल कहां दिखाई पड़ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की पोयम में। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भारत की जनता को रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि टेंशन मत लो, तुम निखर रहे हो। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कि तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं, हमने मेहनत किया कहां बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं। वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी? जिस समाज में, जिस देश में टेक्नोलॉजी पे कोई ध्यान ना दे, आज वेस्ट सारा पैसा हमसे ले जा रहा है, उसमें मेन वजह क्या है? टेक्नोलॉजी है उसके पास। ओला उबर बाहर के लड़के ऐप बना दिए, पैसा कमा रहे हैं, यहां का लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर उबर चला रहा है। तुम कैसे पढ़े हो भाई? वो बाहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ऐप बना दिया उबर, कुछ कर ही नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है, जम के उसके अकाउंट में डेली पैसा जा रहा है। कहीं बैठा होगा फाइव स्टार होटल में हुक्का हुक्का लेके। और इंडिया का सॉफ्टवेयर इंजीनियर धनौरी से सदा सुपेट गाड़ी चला रहा, कह रहा भैया कमाई नहीं हो रही भैया, एजुकेशन फेलियर ही तो है। तुम भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो रील बनाने में बिजी है, वो आज ही नाटक कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी की चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आती है सेल्फी लेने वालों पे। अरे अरे सर जी क्या करोगे भैया, इंस्टाग्राम पे डाल दोगे, 4 लाइक मिल जाएगा, बस खत्म। सोशल मीडिया ने भारत में एक नया भीख मंगा पैदा कर दिया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं,
कुछ लोग कहते हैं अगर आप अपने परिवार को ज्यादा प्यार करते हैं तो इसको लाइक करें, नहीं कहते? पढ़ना नहीं है, सीखना है। जो पढ़ के सीख नहीं पाया सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो अलग क्यों देख रहे हो? वही कनेक्टिविटी तो समझना है, उसी को तो सोचना है। क्योंकि जो तुम सीखोगे वही तो अप्लाई करोगे। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ज्वाइन आवर न्यू ऑफलाइन बैच फॉर एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री कम मेंस एट इकरा आईएएस कानपुर, स्टार्ट्स फ्रॉम 4th मार्च। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर न्यू ऑनलाइन बैच at ikraias.com।